हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ की खांडसा सब्जी मंडी को आज से 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सब्जी मंडी में कल 9 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। सब्जी मंडी से जुड़े 72 लोगों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आना अभी बाकी है। 72 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। सभी गुरुग्राम की सब्जी मंडी में आरती, मुनीम और पल्लेदार है, जो कि 4 दिन से सब्जी कारोबार में लगे हुए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से पल्लेदार वहां काम कर रहे हैं। और यहीं पर सब्जी मंडी में कल 9 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और उसके बाद से यहां पर सब्जी मंडी को फिलहाल 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। 72 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। कुल मिलाकर एक ही दिन में 9 मामले आने के बाद पूरी सब्जी मंडी में हड़कंप मच गया है। 4 दिन के लिए सब्जी मंडी बंद तो हो गई है, लेकिन अब ट्रेस कर पाना कैसे एक बड़ी चुनौती नहीं बन जाएगा प्रशासन के लिए, क्योंकि मंडी में तो पूरे गुरुग्राम से लेकर पूरे हरियाणा के तमाम लोग आए होंगे। वो कहां गए, कैसे आए, इसको ट्रैक कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज। So smart कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।